हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। तो गाइस आई एम नॉट अ पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर। मैं कोई इन्वेस्टिगेटर खुद को नहीं कहता। मैं ये नहीं कहता कि भाई मैं भूतों से एक्चुअल में बात कर सकता हूँ। बट गाइस आज मैं ट्राई कर रहा हूँ एक घोस्ट इन्वेस्टिगेशन करने का। अभी मैं एक सिमेट्री पे जाने वाला हूँ। मेरे साथ मेरे भैया और उनके कुछ फ्रेंड्स हैं। मैं आपको सबसे मिलवाऊंगा। अभी हम सारे जाने वाले हैं एक सिमेट्री पे। और एक और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, क्या आप लोग अंकुर भाई को गेमिंग करते हुए देखना चाहते हो? क्या आप लोग अंकुर भाई को लाइफस्टाइल व्लॉग्स बनाते हुए देखना चाहते हो? क्या आप लोग अंकुर भाई को क्रेजी वीडियोस बनाते हुए देखना चाहते हो? तो अभी जाके मेरा नया चैनल सब्सक्राइब कर दो गाइस, अंकुर 2.0। अंकुर भाई ने एक नया चैनल बनाया, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा गाइस। अभी जाके मेरा नया चैनल सब्सक्राइब कर दो। उस पर मैं गेमिंग वीडियोस, लाइफस्टाइल व्लॉग्स, चैलेंजेस, बहुत कुछ क्रेजी करने वाला हूँ। तो अभी जाके मेरा नया चैनल सब्सक्राइब कर दो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ये वाली वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आखिर तक देखना गाइस। तो गाइस अब बिना किसी वेट के चलते हैं सिमेट्री पे और ट्राई करते हैं घोस्ट इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करने का। लेट्स गो। ऑल राइट सो गाइस, तो मैं भी घर से निकल चुका हूँ। मेरे साथ हैं कैलाश भैया एंड ही इज़ अ सोशल एक्टिविस्ट। और इन्होंने भाई बहुत ज़्यादा ऐसे सोशल वर्क्स वगैरह करे हैं। ही कीप्स डोनेटिंग ब्लड एंड ऑल। तो थैंक्स टू हिम फॉर कंट्रीब्यूटिंग टू द सोसाइटी। एंड मेरे साथ मेरे भैया हैं सुभाष भैया, इनको तो सब जानते ही हो। और है सावन भैया और एक स्पेशल गेस्ट भी है, कैंडी। कैंडी हाय कर दो। हाय कैंडी। कैंडी कैलाश भैया की पेट है और अभी हम जा रहे हैं आशीष भैया को भी पिक करने, क्योंकि वो जगह एक्चुअल में दैट प्लेस हैज समथिंग टू इट। अरे बाप रे। हाय हाय कर दो भैया। हाय। उस जगह पे तो मैं अभी पिछले 17 साल से आ रहा हूँ। अच्छा। इस जगह से क्रॉस कर रहा हूँ। अच्छा। मैंने देखा है कुछ ऐसे ही कुछ मिसहैपनिंग हो जाता है। अच्छा। मतलब आप सीधी गाड़ी चला रहे हो। हाँ। आपकी गाड़ी पलट गई। लोग सोचते हैं जो शायद यहाँ कुछ प्रेत का भूत का कुछ है। मैं इस चीज को क्लेरिफाई भी करता हूँ क्योंकि मैंने इस चीज को एहसास किया है। सो वी आर हियर। तो गाइज हम आ चुके हैं फाइनली भाई सिमेट्री पे। अभी सारे उतर चुके हैं, अभी मैं भी उतरता हूँ गाड़ी से और देखते हैं भाई। मतलब मैं मज़े में यहाँ पर आ गया, बट आज मैं पूरी एक टीम बना के आया हूँ प्रॉपर। देखते हैं भाई क्या होता है। मैं अपना EMF मीटर भी ला रखा हूँ, सो दैट इज़ अ प्लस पॉइंट। पिछले वाली वीडियो में मैं भूल गया था ले जाना। तो चलते हैं भाई, लेट्स सी व्हाट दिस प्लेस हैज फॉर अस। लेट्स गो। सबसे पुरानी रोड है ये। अच्छा, इस रोड पे बहुत एक्सीडेंट हुआ है इस पे। अच्छा, यहाँ इस रोड पे बहुत ज्यादा एक्सीडेंट। ये जो पेड़ है इस पेड़ पे वो जो दिख रहा है ना, ये वाला। हाँ हाँ ये इसमें ये वाला पेड़। हाँ ये जो नहीं, ये जो बढ़ गया। अच्छा आगे है। हाँ, बहुत एक्सीडेंट। और ये वाला ब्रिज पुराने वाला है। ये बहुत पुराना ब्रिज है। और ये नया वाला साइड में इसका कंस्ट्रक्ट हुआ है। इस वाले ब्रिज पे काफी एक्सीडेंट्स हुए हैं। तो गाइस अभी मैं इस वाले ब्रिज पे खड़ा हूँ भाई। इस ब्रिज पे ना काफी सारे एक्सीडेंट्स हुए हैं, ड्यू टू विच इस वाले ब्रिज को बंद कर दिया गया और साइड में एक नया ब्रिज कंस्ट्रक्ट करा गया। तो और यहीं पर ना साइड में ही वो शमशान घाट है, वो सिमेट्री है। तो अभी चलते हैं वहाँ पर, देखते हैं भाई। ऑलराइट सो गाइस, तो मेरे पीछे ना भी रास्ता है सीधा शमशान घाट पर जाने का। आपको आवाज़ भी आ रही होगी उसके लिए हम सॉरी। कहीं पर कुछ माइक पे कुछ फंक्शन सा हो रहा है तो उसकी बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही हैं। चलते हैं। और गाइस जैसा कि आपने सुना ही होगा भाई, ऐसा कहते हैं कि जो पेट्स होते हैं ना उनको बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होता है। मतलब अगर कुछ भी ऐसा कुछ ऐसा पैरानॉर्मल है तो ऐसा माना जाता है कि दे एक्सपीरियंस इट फर्स्ट। तो देखते हैं भाई कैंडी को भी कुछ एक्सपीरियंस होता है कि नहीं होता। क्या बर्ड्स है क्या गाइस? ये देखो भाई यहाँ पर कितने ज़्यादा बर्ड्स हैं। मैंने अपना मीटर ऑन कर दिया है, आप देख सकते हो। अब देखते हैं भाई चल के कि कुछ मीटर में डिटेक्ट होता है कि नहीं होता। मैं अपना मीटर ऑन रखूँगा चलते चलते। ज़्यादा ये बर्ड एक्टिव कर रही है भाई। गाइस पता नहीं कैंडी कुछ ज़्यादा ही अभी आगे आगे चलने लग गई एकदम ही। मेरे भैया को खींच के ले जा रही है भाई। शी इज़ रियली पावरफुल। I don't know, she is like walking really fast.
आपको आइडिया होगा भैया कितनी तेज कब चलती है गाड़ी? जनरली नहीं चलती है। अच्छा। लेकिन अभी कुछ कुछ ना कुछ उसको मतलब उसको लग रहा होगा। हाँ गाइस कहाँ पर चल रहा है? एक्चुअल में ये हुआ है भाई, यहाँ पर एक तालाब सा भी है एंड कैंडी इज एक्टिंग रियली वियर्ड, आई डोंट नो व्हाई। क्या हुआ कैंडी? कैंडी व्हाट हैपेंड? क्या हुआ? तो मुक्ति धाम है। अच्छा, इसको मुक्ति धाम बोलते हैं। हाँ। गाइस यहाँ पे देख सकते हो भाई, यहाँ पे एक मटका सा पड़ा हुआ है और यहाँ पर अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पर ना ये कपड़े वगैरह यहाँ पे बंधे हुए हैं, ये उन लोगों के हैं जिन लोगों को यहाँ पर क्रेमेट करा गया है। तो ये रहा भाई, थोड़ा आगे चलते हैं। और इस साइड पे ना एक चिता जल रही है, मैं आपको दिखा नहीं सकता वो, बट अभी देखो भाई जगह कैसी लग रही है। अगर यहाँ पर कोई भी स्पिरिट है, कोई भी आत्मा है, उसको अगर मेरे से कॉन्टैक्ट करना है, मेरे से बात करनी है, तो मेरे इस EMF मीटर में लाइट जलाओ और मेरे को बताओ कि आप यहाँ पर हो। आ रहा है, मैं रिकॉर्ड हो रहा है, मैं देखता हूँ। तो गाइज मेरा यहाँ पे EMF मीटर है भाई, इसमें मैं देखता हूँ अगर अभी कुछ भी जवाब आएगा, मैं ट्राई करता रहूँगा जब तक मुझे कोई जवाब मिल नहीं जाता। तो अगर यहाँ पर कोई भी स्पिरिट है, कोई भी आत्मा है, उसको मेरे से बात करनी है, तो मेरे EMF मीटर में लाइट जलाओ, मेरे को बताओ कि आप यहाँ पर हो। कुछ भी नहीं हो रहा, ब्लिंक तो करना चाहिए, ब्लिंक कुछ भी नहीं कर रहा भाई। मैं दिखाने को लाइट भी गाइस ये देखो भाई, यहाँ पे मकड़ी का जाल सा लगा हुआ है, देख सकते हो। दिस लुक्स रियली वेरी स्पूकी। हाँ, ये जो है ये एक नदी है। हाँ ठीक है, पानी इसमें बहते रहती है, लेकिन जहाँ से शमशान स्टार्ट होता है और ये जहाँ ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे पानी बिल्कुल ठहरा हुआ मिलेगा, ये पानी मूव नहीं कर रही। अच्छा, ये एक्चुअल में कुछ होता है क्या? शहर के जो भी लोग होते हैं, हाँ हाँ, उनका यही एक मात्र जगह है। अच्छा, जहाँ वो क्रिमिनेशन कह सकते हो, क्रिमिनेशन ग्राउंड है, इसको मुक्ति धाम कहते हैं। ओए, ब्लिंक कर रहा है भाई। क्या है ये, कोई है? कैंडी कैसे कर रहा है कि क्या हो रहा है? मुझे नहीं पता क्या हुआ। कैंडी कुछ है? कैंडी बंद हो गया, ये भी कर रहा है। तो गाइज मैं अभी यहाँ पर ऐसे थोड़ी देर बैठ गया हूँ भाई, मेरे हाथ में EMF मीटर है। अभी पता नहीं क्या हुआ था, मेरे भैया ने EMF मीटर ऐसे ही पकड़ा हुआ था, हम रिकॉर्ड करने के कुछ चक्कर में, हम ऐसे कैंडी का शॉट ले रहे थे और मेरे EMF मीटर में लाइट ब्लिंक करने लग गई थी फॉर सम रीज़न, नथिंग इज़ हैपनिंग इन इट। मैंने तब पूछा भी था कि अगर यहाँ पे कोई भी स्प्रेड है तो उसमें लाइट जलाओ, इसमें कुछ भी नहीं हुआ था, मेरे भैया रैंडमली पकड़ा हुआ था और तब ये ब्लिंक कर रहा था। आई डोंट नो क्यों हो रहा था भाई, बट देख सकते हो भाई कुछ भी ब्लिंक नहीं कर रहा। This is really weird, guys. मैं ना पीछे ऐसी वॉक लेने के लिए गया हुआ था, मेरे को पीछे से आवाज आई कि जैसे ना कोई गेट हिला है, पता नहीं क्या हुआ है, हो सकता है हवा की वजह से हो, बट इट वॉज रियली वेरी क्रीपी भाई। देखते हैं भाई यहाँ पे और थोड़ी देर रुक के क्या होता है। मेरे पीछे ना यहाँ पर एक और ये जगह है खुली हुई, मैं एक बार यहाँ पे चल के देखता हूँ भाई, क्या पता यहाँ पर हमें कुछ दिखे। ये देख लो भाई साइड में यहाँ पर एक और तालाब सा है, कुछ चल सकते हैं। पुराना शमशान। अच्छा, ये पुराना शमशान घाट हुआ करता था क्या यार? पीछे ये ब्लिंक सा हुआ था क्या शायद? और लेट्स गो गाइस। तो भाई देख क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ, हुआ क्या? कैंडी क्या हुआ भाई? पता नहीं, ले जा रहे हैं। कैंडी क्या हुआ? कैंडी अरे क्या हुआ भाई अभी? कैंडी पता नहीं वहां शमशान घाट से भागते भाई,
ये वाला ब्रिज जो मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पे बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए हैं, इस वाले ब्रिज के थ्रू गई। आई थिंक आई शुड लीव दिस प्लेस नाउ, मेरे को जगह बिल्कुल भी अच्छी लग रही भाई। कभी फ्रेश दिमाग से इस वाले जगह पे एक बार अच्छे से एक्सप्लोर करने आऊंगा। आई एम नॉट फीलिंग सेफ एट ऑल ओवर हियर गाइस। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय न्यू चैनल, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक होएगा। अंकुर 2.0 मेरे नए चैनल का नाम है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप भी जाकर सब्सक्राइब कर लो। उस वाले चैनल पे मैं गेमिंग वीडियोस, चैलेंजेस, लाइफस्टाइल व्लॉग्स वगैरह सब कुछ बनाऊंगा। तो अगर आप मिस कर रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, अभी जाकर सब्सक्राइब कर लो मेरे नए चैनल को। इस वाली वीडियो पे लेट्स एम फॉर 55,000 लाइक्स गाइस, 55,000 लाइक्स इस वाली वीडियो पे कर दो तो मैं नेक्स्ट वाली वीडियो बनाऊंगा एक और कोई हॉन्टेड किसी एक्सप्लोरेशन पे करते हुए। एंड गाइज थैंक यू सो मच फॉर शावरिंग मी विद ऑल द लव, यू गाइज आर द बेस्ट अंकुर फैम। गाइज मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो के लिए आइडियाज दो कि मैं क्या करूँ नेक्स्ट वाली वीडियो पे, कहाँ पे जाऊँ, क्या 3M चैलेंज करूँ, प्लीज मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। बाय, गुड नाइट, टेक केयर। अंकुर भाई अब घर जा रहा है। बाय बाय बाय।